अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुक एंड बेक्स। आज हम बना रहे हैं बीफ़ वाइट कढ़ाई, जिसके लिए हमें चाहिए बीफ हाफ के जी। आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं, मैंने हड्डी वाला लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं, ये आपके डिपेंड करता है आपके अपने मूड पे। मैंने हाफ के जी बीफ लिया है। ये तीन हरी मिर्चें, इनको बारीक चॉप कर ली है। एक चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लेमन पाउडर लिया है। ये घी है, आधा कप मेरे पास घी पड़ा हुआ है, इसमें आपने घी इस्तेमाल करना है। एक चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। ये क्रीम है, टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है, ये मैंने 1/4 कप ये लिया है। दही, आधा कप दही रूम टेम्परेचर पे। लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ये प्याज मेरे पास बारीक चॉप किया हुआ प्याज है। ये मेरे पास शिमला मिर्च है, इनको क्यूब्स में काटा हुआ है, और प्याज है, प्याज को भी मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। अच्छा, ड्राई मसालों में मेरे पास सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच भर के, ज़ीरा पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, एक तेज़पात है, ये दालचीनी स्टिक है 4 से 5 अदद, 1 चाय का चम्मच मेरे पास काली मिर्चें हैं साबुत, 3 हरी इलायची, ये 1 चाय का चम्मच मेथी दाना है, मेरे सूखी मेथी है। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके और मुझे व्यूज़ दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखें, मैं इसके अंदर ये दही शामिल कर रही हूँ, साथ ही इसके अंदर ये क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये नमक और लेमन पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये जो 1/2 कप घी है, इसी में से 3 खाने के चम्मच में घी इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, और आपने इसको 1/2 घंटा मैरिनेट करके रखना है। ये देखें, ये मैरिनेट हो गया। अब मैंने इसके अंदर एक ये रैमकिन रखा है, इसके और उसमें ही मैंने एक कोयला रखा है, उसके ऊपर मैं 1 चाय का चम्मच डाल के और इसको स्मोक दे दूंगी। 2 से 3 मिनट आपने इसको स्मोक देना है और फिर आपने कोयला निकाल लेना है। देखिए नाज़रीन, 3 मिनट हो गए, मैंने कोयला निकाल लिया, खुशबू कोयले की इस पर आ गई। अब मैं इसको एक पैन में डालूंगी। इसको मिक्स करके 1/2 गिलास इसके अंदर पानी डालूंगी। और आपने इसको 40 to 45 मिनट्स इस तरह हल्की आंच पे पकने देना है, जब तक ये टेंडर नहीं हो जाता। ये देखें नाज़रीन, ये हमारी जो बीफ था ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल टेंडर हो चुका है। इसको 40 मिनट्स लग गए हैं तैयार होने में। अब मैं इसको एक पैन में निकाल लूँगी और अब आगे मैं आपको बताती हूँ अब हम क्या करेंगे। अच्छा, ये देखें, मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैं 1 खाने का चम्मच घी डालूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ये वेजिटेबल्स डाल के इनको सोते कर लूँगी, 1 से 2 मिनट इनको मैं सोते करूंगी। ये देखें, ये हमारी वेजिटेबल्स जो हैं सोते हो गई हैं, मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी। नाज़रीन, ये देखें, मैंने एक पैन लिया है, पैन में मेरे पास 1 खाने का चम्मच मक्खन है, मैंने मक्खन लिया है, और 1/2 चाय का चम्मच आपने इसके अंदर घी शामिल करना है और इसको मिक्स करना है। अब इसके अंदर मैं ड्राई मसाले डालूंगी। ये बटर और घी मेल्ट हो गया, अब इसके अंदर मैं ये तेज़पात डालूंगी, दालचीनी, काली मिर्च और सब्ज़ इलायची को डाल के मैं 1 मिनट इसको भूनूंगी, फिर इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी। अच्छा, ये देखें, 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसके अंदर ही चॉप किया हुआ प्याज डाल रही हूँ।
प्याज सोते हो गया, अब मैं इसके अंदर ये हरी मिर्च शामिल करूँगी और इसको 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी। अच्छा ये देखें नाज़ जी, 2 मिनट हो चुके, अब मैं इसके अंदर ये मेरे पास जो ड्राई मसाले थे मैं ये शामिल कर दूंगी और इसको भूनूंगी 1 से 2 मिनट और। तो ये देखें 2 मिनट इसको मैंने भुना है, अब इसके अंदर मैंने 1/4 कप पानी ऐड कर दिया, 1 मिनट और इसको भूनूंगी अच्छे से ताकि प्याज हल्का सा नरम हो जाए। अच्छा ये देखें इसका पानी ड्राई हो गया, अब ये जो मीट हमारा टेंडर हो चुका है मैं वो इसके अंदर डाल दूंगी, इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसके अंदर मेरे पास दूध पड़ा है 1/2 कप दूध शामिल करूंगी इसके अंदर, ये देखें अब मैं इसके अंदर ये दूध शामिल कर रही हूँ और 3 से 4 मिनट इसको मैं पकाऊंगी दम पे रख के। ये देखें नाज़रीन ये हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है, अब मैंने जो वेजिटेबल सौते की थी मैं वो इसके अंदर डाल दूँगी और इसको इस तरह मिक्स करेंगे। एक मिनट के लिए आप इसको दम पे रखते फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। जी नाज़रीन ये देखें हमारी मज़ेदार बीफ वाइट कढ़ाई तैयार है, आप इसको सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार है। अगर आप इसको चिकन में बनाना चाहते हैं टाइमिंग इसको कम दें, मटन और बीफ के लिए जो टाइमिंग मैंने बताई है वो सेम इसी तरह ही है। बहुत ही अमीर रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे व्यूज़ दें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। शुक्रिया।